Good morning, children. Welcome, class 1 for English class. Today we will learn this is and that is. Example, this is a newspaper. Number 2, that is my kite. This is my house. That is a car. When you have to use this, when a thing is near me. Here, newspaper is near me, that is why using this. That is using when a thing is far away. That time you have to use that. That is a kite. This is my house. Here, this using because house is near. That is why this using. That is a car. The car is far away. That is why using. That is a car. So we use is when we point at a thing or a person near us. We use that when we point a thing or a person far away. Remember, we use this and that only with one thing or a person. So, example, fill in the blanks using this or that. This is a ball. What you have to write here? This you have to write. Why you can write this here? Because ball is near. Nazdik mein. That is why you have to use this. जो चीज और पार्सल हम लोग का नजदीक में है तब दिस यूज करना।
और जब थिंग और पर्सन दूर में है तब हम लोग को दैट यूज करना है। और इधर क्या करना है, इधर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस और दैट। ये बॉल नजदीक में है इसीलिए इधर दिस हो गया, और ये फ्लावर क्या है दूर में है इसीलिए क्या हो गया दैट हो गया। तो सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज ए बॉल, दैट इज ए फ्लावर। वन सेकेंड आई रिपीट, दिस इज एंड दैट इज यू आर गोइंग टू रन टू दिस। दिस इज ए न्यूज पेपर, तो न्यूज पेपर नजदीक में है इसीलिए दिस यूज किया है। दैट इज माई टाइम, टाइम दूर में है तो दैट यूज किया क्या है। दिस इज माई हाउस, हाउस क्या है नजदीक में इसलिए दिस यूज किया गया है। दैट इज ए कार, कार दूर में है तो दैट यूज किया है। और इसमें नजदीक में बॉल है तो दिस यूज किया गया है, और फ्लावर दूर में है तो दैट यूज किया है। और क्या चीज आप लोग को जानना चाहिए, वी यूज दिस व्हेन वी पॉइंट एट द थिंग और अ पर्सन नियर अस। इसको याद रखना है जरूरी बात है, जो चीज क्या है हम लोग का पॉइंट आउट कर रहे हैं और हम लोग का नजदीक में है कोई सामान और कोई आदमी, इस समय हम लोग को दिस यूज करना है। जैसे आदमी के बारे में जब बात करें, दिस इज अ मैन, दिस इज माय बुक, दिस इज माय पेंसिल, नजदीक में, और दूर में कुछ रहेगा दैट इज अ ट्री, दैट इज अ फ्लावर। कोई चीज दूर में रहेगा तो दैट यूज करना है, कोई चीज नजदीक में रहेगा तो दिस यूज करना है। वी यूज दिस एंड दैट ओनली विथ वन थिंग और अ पर्सन, एक चीज के बारे में जब बात होगा तभी हम लोग को दिस यूज करना है। एक से ज्यादा होगा तो दिस नहीं होगा, पहले एक ही चीज रहेगा तभी हम लोग को दिस यूज करना है, और नजदीक में भी रहेगा। और दैट कब यूज करना है, एक चीज रहेगा और दूर में रहेगा तब हम लोग को क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हेन यू हैव टू यूज दिस एंड व्हेन यू हैव टू यूज दैट। थैंक यू।